देखिए बकरेबाजों का और बकरेबाजी क्या होती है वो आपको आज भीड़ देख के पता चलेगा कि पटना की बकरेबाजी क्या है। और ये जो बकरेबाजी है अभी और इसका लेवल बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। पटना में आपको शानदार शानदार जानवर तैयार होकर दिखने को मिलेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। जब बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे यहाँ उतरेंगे और लोग उनको तैयार करेंगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग रहेगा। बताइए पटना के बकरेबाजी के बारे में बताइए कुछ। पटना इसका लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर इंसान को शौक हो चुका है घर में जानवर रखने का, हर इंसान को घर में रखा जाना और अच्छा शौक है। इसके चलते घर में बच्चे का लॉट भी अच्छा ही है हर नस्ल में। आप किस चीज़ के लिए आए थे आपको मिला? हाँ मैं तो आया था तोतापुरी के लिए लेकिन वो तो सेल हो चुका है तो मैं उसके बाद नागफनी ले लिया और क्या नाम हुआ आपका भैया? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर, ये लॉट के बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए कुछ। लॉट तो बहुत बढ़िया आया है जी, जानवर सब सॉलिड है। आप कहाँ से आए? सिटी से आए हैं। सिटी से आए हैं? पश्चिम दरवाज़ा। पश्चिम दरवाज़ा, तो आपको कोई पसंद आया? यही दोनों पसंद किए। अच्छा ये और ये, ठीक है ये दो इनका और बाकी वो सब साथी में है इसीलिए एक लॉट बांध दिए। आज आप सेटिस्फाइड हैं जी? कितना दिन से आप ढूंढ रहे हैं बच्चा ऐसा? हम तो करीब एक महीने ढूंढ रहे थे। ए देखिए वहां है सुनो, ए रियाज भाई एक बार कॉल लगे जाने लगे बस YouTube देखें जी। चल चल शुक्रिया भैया, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है हमारे चैनल को। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और ग्रोथ होगा चैनल का और बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे जानवर और शौक देखने को मिलेगा। हमें प्रमोट करना है हर एक छोटे से बकरे पोसने वाले से लेकर के बड़े जो बकरे पोसने वाले हैं लेवल पे उनको भी प्रमोट करना है। तो ये जो गली कूचे में चार बच्चे भी बेच रहे हैं जी, तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे जी। ऐसा जी नहीं है किसी बड़े सेलर का बनाएंगे। तो हम लोग का रहता है 2 साल का। पहले जो है वजन हो करके नंबरिंग कर दिया जा रहा है, उसके बाद जो जिसका को पसंद आएगा डायरी में देख करके कितने वजन का कैलकुलेट करके रेट के हिसाब से दे दिया जाएगा। यहाँ का ये प्रोसीजर है, तरीका है। लेकिन जो बांधा तो फाइनली गाइस नंबरिंग खत्म हुआ और अब दिया जाएगा बच्चा आप लोग को। पब्लिक देखिए आप लोग, आपकी तादाद में पब्लिक है।
चलिए लाते जाइए आप कैलकुलेटर दीजिए शब्बीर नागफनी 600 और गुजरी जो अच्छी क्वालिटी का है वो 600 और बाफी जो है वो 450। रेट के बारे में कुछ बताइए आप लोग, रेट कैसा लगा? रेट तो भाई जिस रेट में यहाँ पे माल बिकना है उससे महंगा है, लेकिन कुछ कुछ लस्सी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, जल्दी मिलता नहीं है, तो उसका इन्होंने 650 रुपये रेट रखा है। और जो यहाँ पे नॉर्मली अवेलेबल होता है जो 400-420 रुपये मिलता है उसका 450 रुपये रखा है। अगर रेट थोड़ा और कम रहता तो और ज़्यादा बिकेगा, बाकी जितनी चीज़ है उनको हक है जितने भी बेचे। जी सही कहा आपने, जिनकी चीज़ है वो जितने में बेचना चाहें। शुक्रिया भाई। ये भैया ने एक जानवर लिया है और जहानाबाद से आए। कितने मिला आपको? 450 रुपये किलो दिए हैं। कितने में मिला कितने? 600 में। खुश हैं आप? ठीक है, जानवर पसंद आया? हाँ ठीक है। ठीक है भैया, इससे पहले भी हम पाला है। अच्छा, इससे पहले रखा कहाँ, घर पे कि बाहर में? घर में पालते हैं जानवर तो घर में। ये ले लिया भैया आप? कितने का ये? पता ना, रेट अभी ना दिया, लेके जाने बाद। अच्छा, यहाँ पर दवा का काउंटर भी है और न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट का, क्या क्या है? 50 सप्लीमेंट फॉर पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक और क्या क्या है? कैल्शियम मिनरल ये खुर बनाने वाले हैं। 9675 ये वेटनरी डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर साहब हैं। यहाँ पे रुचा मैक्स, पाचन के लिए रुचा मैक्स बहुत बेहतरीन चीज़ है। और क्या क्या है? नेबलॉन पाउडर, एल्बम और डिवॉर्मिंग के लिए। डॉक्टर साहब अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा मोहम्मद फयाज है जी, और जानवर लैन में हम जो है 7 साल का तजुर्बा है। इसलिए हमें टोटल काम ऑपरेशन से ये बढ़िया से लेकर हमारे डिटेल भी करते हैं, और उसके अलावा बड़ा बड़ा बाहर सिटी से बाहर एक ही गॉड फार्म है, वहाँ हम 4 साल काम करते हैं। उसके अलावा हाई स्कूल फार्म वहाँ भी काम करते हैं। आप मेरा रखिए, हम ले जाते हैं। दोबारा बोलिए। किसी तरह कितने भी साथ हो, कितने भी दांत हो, कोई एज
मायने रखता बढ़िया हो जाएगा। और सोशल मीडिया की अब बिट जो लेगा हमसे कॉन्टेक्ट करके सलाह ले सकते हैं। Gracias.